दोस्तों अगर आप एक आईपीएल फैन हैं, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो आईपीएल 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप भी अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और आईपीएल 2018 की सभी न्यूज का मजा सबसे पहले पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस एंटरटेनमेंट की इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई इंडियंस के सभी फैंस के लिए और सभी सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि मैच नंबर 54 में शानदार जीत रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की। जहां पर शुरुआत में तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहां पर पीछे नज़र आ रही थी, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। शिखर धवन ने शानदार पारी खेली, जिसके चलते ये देखना मुश्किल हो रहा था कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम वापसी करने वाली है। लेकिन अब इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बेहद अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसके बाद इनकी साफ तौर पर जीत हो गई। लेकिन दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा घाटा लगा है, वो लगा है मुंबई इंडियंस को। वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले से ही प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुकी है, और जिसके जीतने से मुंबई इंडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के अगर हार जाती तो प्लेऑफ्स की लिस्ट में स्पॉट बचे होते दो, यानी मुंबई इंडियंस की साफ तौर पर यहां पर प्लेऑफ्स की टिकट इन्हें हासिल हो जाती अगर वो अपना लास्ट मुकाबला जीत जाएं। तो वहीं अब दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम भी सामने वाली टीम्स का खेल बिगाड़ रही है, जैसे उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है और जिसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और अब जो उनकी जो जितना भी लंबा सफ़र बचा हुआ है, आखिरी मैच है इस लीग मैच का और आईपीएल 2018 का, तो वो भी अच्छे से खेलना चाहते हैं। यानी दोस्तों अब मुंबई इंडियंस को मैच जीतना है और अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतना है। लेकिन अच्छी खबर यह है मुंबई इंडियंस के लिए कि जो नेट रन रेट इनका कंपैरिजन अगर होता कि प्लेऑफ्स के क्वालिफिकेशन के लिए, तो इन्हें आरसीबी के साथ कंपेयर करना पड़ता। लेकिन आरसीबी की टीम पहले ही मुकाबला हार चुकी है, प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। अब इनका 14 पॉइंट्स को लेकर कंपैरिजन किया जाएगा, वो है राजस्थान रॉयल्स से, अगर मुंबई इंडियंस की टीम जीतती है तो। वैसे भी मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट अच्छा है, और जिस कारण से ये साफ तौर पर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएंगे और राजस्थान रॉयल्स की टीम यहां से बाहर हो सकती है। तो दोस्तों ये तो रही मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ्स की रेस को लेकर एक अच्छी और एक बुरी खबर। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस अब प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें, और आईपीएल 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप भी अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। धन्यवाद।